बनारस की साड़ियों के बारे में भला कौन नहीं जानता। दुनिया भर में बनारस की साड़ियां मशहूर हैं। टॉप क्लास से लेकर मिडिल क्लास लोग बनारस की साड़ियां पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कोरोना ने बनारस के साड़ी कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन के बाद से भले ही जिंदगी पटरी पर लौट आई हो, लेकिन इनका कारोबार अभी तक भी पटरी पर नहीं लौट पाया है। पहले ये लाखों की बिक्री किया करते थे, लेकिन अब हजारों में भी काम नहीं हो पा रहा है। तो बहुत मुश्किल हुई और बहुत परेशानी से हम लोग उस समय गुजरे, उसको याद करके भी बहुत तकलीफ होती है और उसका इफेक्ट तो अभी तक हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के पहले का पैसा ज़्यादातर व्यापारी जो है वो दे नहीं रहे हैं। वो अभी बोलते हैं कि भाई नया माल दो, नया का लो, कोरोना वाला या उसके पुराना पेमेंट जो है फिर वो बाद में आगे धीरे धीरे करेंगे। वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हाथ बहुत अंडस में है। अश्वनी पांडे जैसे हजारों कारोबारी बनारस में साड़ी का कारोबार करते हैं, उनका भी कारोबार कोरोना काल में मंदा हो गया है। अब इन कारोबारियों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग है कि इंश्योरेंस का ऐसा इंतजाम करें जिसका इस्तेमाल कारोबारी आपातकाल में कर सकें। हमको लगता है कि बजट में कम से कम जो छोटे स्केल पे में वो एक तो पहले तो लोनिंग की सुविधा इजी वे करनी चाहिए। अभी भी डायरेक्ट किया है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आसानी से जो है छोटे मिडिल व्यापारियों को वो लोन आसानी से मिल नहीं पाता है। और दूसरा, इस तरह की आपदा कभी भी आए तो उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह करके या कोई ऐसी पॉलिसी पहले भी आने वाली थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चला कि कम से कम एक पेंशन टाइप की योजना आनी चाहिए कि जो हम लोग GST भरते हैं, जितनी GST भरते हैं उसके अनुपात में हर व्यापारी का आकलन करके उस हिसाब से एक पेंशन योजना, एक सपोर्ट योजना, इस तरह की आपदा आए या कभी व्यापार एकदम से बैठ गया या कोई इस तरह की विपत्ति आए तो वहां से हम लोगों को एक सहयोग मिल सके। वहीं साड़ी कारोबारियों की तरह ही दूसरे कारोबारियों का भी हाल बेहाल है। उनका भी कोरोना काल में धंधा मंदा हुआ हुआ है। स्टेशनरी कारोबारी शरद पोडवाल उनमें से एक है। स्कूल कॉलेज बंद होने से उनका कारोबार चौपट हो गया है। अब वो मांग कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा खास करके भारत सरकार से और अपने वित्त मंत्री महोदया से कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद खास करके मीडियम व्यापारियों को, जो मीडियम क्लास के व्यापारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी को झेलना पड़ा है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से लेके अपने खर्चों से लेके या अपने व्यवसाय के खर्चों से लेके, क्योंकि व्यवसाय में खर्चे तो रहते ही हैं, स्टाफ है, लाइट्स हैं, ये सब तो रेगुलर के खर्चे हैं। उस हिसाब को देखते हुए मुझे ऐसा मेरी बहुत इच्छा है कि कम से कम हमारी वित्त मंत्री महोदया हैं, कम से कम इस बार मीडियम व्यापारियों के लिए कुछ विशेष राहत पैकेज इस बार के बजट में लाएँ। बनारस के इन कारोबारियों का हाल खराब है। इनकी आमदनी अठन्नी रह गई है, जबकि खर्चा रुपया हो गया है। इनको अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब ये सरकार से बूस्टर डोज की उम्मीद कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से इनका धंधा पहले की तरह चौकस हो जाए। बनारस से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।